खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासुदा से। यहाँ नोघाई गांव के सरपंच और सचिव ने मिलकर स्कूल के लिए स्वीकृत की गई सड़क निर्माण की राशि डकार ली है। बताया जाता है कि इस रोड के लिए स्वर्गीय पूर्व सांसद सुषमा स्वराज ने भी पत्र लिखा था। उसके बाद रोड की स्वीकृति हुई और राशि भी आई, लेकिन जमीनी हकीकत में रोड का निर्माण ही नहीं हुआ है। सरपंच और सचिव ने लीपापोती कर केवल रस्म अदायगी की है। सड़क निर्माण नहीं होने से स्कूली छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। सड़क निर्माण को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने भी स्कूल शिक्षा विभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक रोड का निर्माण नहीं हुआ है। इंडिया खबर लाइव के लिए एलएन चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, 3 लाख रुपए निकले थे तो सड़क के लाने, तो वो सचिव और सरपंच रोड डालने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने रोड नहीं डलवाया, यहीं से खुदवा कर यहीं पर गिट्टी डलवा दी। और उनसे शिकायत करो तो वो ये बोलते हैं कि कलेक्टर साहब से बोल दो, वो कुछ नहीं करेंगे। मेरा नाम निकिता कुशवाहा है, मैं क्लास 11 की हूँ। और हमारे यहाँ स्कूल का ये रोड बहुत ही बेकार है और ये गिट्टी डली है, यहीं से खोद कर यहीं पर डाल दी गई है और यहाँ पर हम निकल नहीं पाते। और ये गड्ढे हैं, इनमें से बहुत सारा पानी भरा जाता है, तो हम पेपरों के टाइम भी यहाँ पानी भरा रहता है तो हम निकल नहीं पाते, हमें समस्या होती है निकलने में, हमारे पेपर भी छूट जाते हैं। पूर्व में ही जो है सांसद महोदय का पत्र आया था, ग्रामीण जनों ने इसकी शिकायत की थी, तो उसने अपने जवाब दिया था। इसके बाद जैसी बन गई थी सड़क, और उससे काम चला रहे थे। अब इस बार बरसात हो पूरी बह गई, ज़्यादा बरसात हुई। हाँ, तो इसमें क्या है, जो सड़क डाली गई है तो इसके लिए कई बार शाला स्तर से आवेदन दिए गए, लेकिन सरपंच पंचायत के द्वारा जो बनवाई गई सचिव के द्वारा, वो ऐसी आधी अधूरी ही चूड़ी डालकर नई मोरम लोकल से खोद कर डाल दी गई, तो स्थाई नहीं गई। तो आज समस्या जो जैसी थी वैसी फिर बनी हुई है। जिसमें परसों जब ज़्यादा बरसात हुई तो बच्चों को निकालना मुश्किल हो गया, पूरा नाला रास्ता कट चुका है।